और मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद आरोपी राजू अग्रवाल की दूसरी फैक्ट्री में अभी भी खुले में बारूद रखा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या प्रशासन अब भी इंतजार कर रहा है कि किसी तरह से इस अवैध फैक्ट्री में एक छोटी सी चिंगारी उठे और उसके बाद एक बड़ा सा धमाका हो? ये सवाल हम प्रशासन से और शासन से इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि जिस फैक्ट्री में हम आ पहुंचे हैं वहां पर अब तक प्रशासन नहीं पहुंचा है। ये देखिए कितना सारा बारूद यहां पर रखा हुआ है और कर्मचारी यहां से गायब है। जितने भी कर्मचारी इस अवैध फैक्ट्री में काम कर रहे थे, क्योंकि राजू अग्रवाल जिसके कारण इतना बड़ा धमाका हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, उसकी दूसरी ये अवैध फैक्ट्री। क्या कुछ ये नाम है इस गांव का, ये बताइए। रेटा खुर्द सर। रेटा खुर्द। आप क्या इस गांव के सरपंच हैं? जी सर। अच्छा, बताइए इस फैक्ट्री के बारे में। सर, इस फैक्ट्री में अवैध काम चल रहा है। इसने हमारी भूमि है छोटा गोया सरकारी, उसमें बिल्डिंग बना चुका है। इसको हटाने की किया, बड़ा आदमी है, लोग गरीब गांव है इसलिए हटाने, इसे मजदूर को काम किया जा रहा है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं नहीं।